गाइस देखिए एक कॉल आ रही है और ये एक फ्रॉड कॉल है और इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। एक मिनट एक मिनट। ध्यान से देखने की जरूरत है। हेलो, सरताज जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सरताज बात कर रहा हूँ। कौन भैया? आपका ओएलएक्स पे एड देखा था अभी मैंने। हाँ भैया, भैया ओएलएक्स पे डाला था मैंने, टीवी डाला हुआ था जी, बताइए। एमआई का एलईडी टीवी? हाँ जी, हाँ जी 32 इंची। तो भैया कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चालू है, बिल्कुल फ्रेश है और अपना जो भी तार वार मतलब केबल वेबल जो भी एक्सेसरीज है इवन डब्बा तक है मेरे पास। थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा था तो इसलिए चेंज कर रहा था मैं, इसीलिए डाला था। हाँ जी डब्बा नहीं है? डब्बा हाँ हाँ सब है, बिल्कुल संभाल के रखो। पता नहीं भी हो तो कोई नहीं, मुझे तो टीवी चाहिए क्योंकि डब्बा को चलाना है, टीवी चलाना सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सारी चीजें कैसे करना है? मैंने प्राइस भाई आपको तो पता ही है डाले हुए थे और मार्केट प्राइस भी आपको पता ही होगा, मैंने डाला हुआ था ये 8,000 की रेंज में, लेकिन वो ये कि मैं नेगोशिएशन हो जाएगा जो भी है बाकी देख लो। कितने देने आपको? 7,500 में फाइनल कर दूंगा, 7 जो है 7,500 में। 7,500 में? कोई नहीं सर, मुझे अच्छा लगा आपका, मैंने एड देखा ही, वो मुझे जरूरत भी थी, मुझे ना अभी ये मतलब चाहिए, मैं बहुत दिनों से परेशान हो रहा था, एक टीवी चाहिए था कमरे के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चालू टीवी है, बढ़िया है। अच्छा, कोई नहीं। तो भैया कहाँ की लोकेशन है आपकी? मैं बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से? भैया मेरा नाम राजू है और मैं आनंद बिहार का हूँ, मैं आनंद बिहार में रहता हूँ अभी। आनंद बिहार? अच्छा अच्छा ठीक है जी जी जी। तो मुझे आपका टीवी अच्छा लगा, मुझे चाहिए भैया ये। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ओएलएक्स पे डाला इसलिए। दिक्कत थोड़ी ये है, मैं अपने अभी ऑफिस में हूँ गुड़गांव, तो मुझे टीवी अच्छा लगा, ऐसा करो ये डन कर दो, मुझे चाहिए ये। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है, पर थोड़ी सी दिक्कत ये है सरताज जी, मेरे पास अभी ना टाइम नहीं है। अच्छा, और मुझे छुट्टी मतलब जो मेरा वीक ऑफ होगा परसों होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, आप इस वजह से किसी को बेचना मत और ये फिर मेरी हो जाएगी, तो मैं आके आपको परसों या तो अपना दोस्त भेज दूंगा या खुद मेरे पास टाइम होगा तो मैं। नहीं नहीं मतलब पहले यार देख तो लेते, ये तो देख लेते टीवी मतलब ना, देख तो ले आके, अब आपने देखा नहीं आप पैसे दे रहे हो फिर वही आप बता रहे हो, सारी चीज तो बता ही रहोगे ना, इतनी तो इंसान चल ही रही है आजकल दुनिया में। हाँ नहीं वो बात तो सही है, लेकिन वही है कि बाद में फिर ये हो जाता ना कि आपको सर ऐसी करो भैया, चीज मैं ले रहा हूँ ना आपको बेचनी है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, टीवी तो चालू है, लेकिन फिर भी वही है कि एक बार देख लेते, चीज इंसान कोई चीज लेता है तो देख के ही लेता ना पहले। भैया आपने फोटो डाल दी है, आप बोल रहे हो टीवी में अंदर क्या होता है, कुछ भी नहीं, उसका पैनल ठीक है, सब कुछ सही है, मुझे चाहिए आपको बेचनी है। अच्छा है ना, और अब आप खुद बताओ मैं गुड़गांव में अभी कैसे, मतलब कोई चीज है ना? नहीं गुड़गांव में, आनंद विहार में, कहाँ हो आप अभी? नहीं नहीं ऑफिस मेरा गुड़गांव में है और मतलब जो रहता हूँ मैं वो आनंद विहार में। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं है, पसंद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तो डन समझो भैया, बस ये मान लो मेरी हो गई। कोई नहीं बिल्कुल। तो पैसे आप फिर किसके हाथ भिजवाएंगे? पैसा मैं आपको ऐसा करता हूँ, आप गूगल पे फोन पे UPI जैसा कहो वैसा कर देता हूँ ऑनलाइन, अभी के अभी आपके अकाउंट में 7,500 रुपए डाल देता हूँ मैं। कैश नहीं हो सकता, कैश हो जाता तो बेहतर, क्योंकि ये सब चीजें मुझे थोड़ा सा कम आती है ना। वो ये ना, अगर कैश दे सकता मैं आपको तो अभी के अभी ले जाता मैं, बट वो चीज पॉसिबल नहीं है आजकल, तो डिजिटल जमाना चल रहा है, मैं आपको ऑनलाइन भेज देता हूँ, आप मुझे ठीक है कोई बात नहीं, आपको पैसे कोई नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? मैं आप व्हाट्सएप पे, आपका यही नंबर है? हाँ यही नंबर है जिसपे आप कॉल कर रहे हो। तो मैं ना आपको एक अपना कोड भेजता हूँ, QR कोड, वो आप स्कैन कर लेना और उससे मेरा नाम या नंबर आ जाएगा वहाँ पर, तो उसमें आप के अकाउंट में 7,500 रुपए में डाल देना। नहीं तो व्हाट्सएप पे QR कोड क्या, आप एक काम करो ना, यही नंबर है, यही मेरा फोन पे और गूगल पे भी आप डायरेक्टली पे कर दो, जब मैं भी तो करता हूँ ना पेमेंट, नंबर लिया अपना कर दिया। वो मेरा ना वॉलेट आपको पता होगा, पेटीएम का वॉलेट और वो UPI अलग अलग होते हैं, तो वो ना मेरा QR कोड से ही आता है, मुझे वॉलेट में नहीं हो पाएगा। अच्छा। मतलब UPI जो बैंक से होता है ना कनेक्ट, तो वो कोड से ही आता है भैया। भाई साहब बात हुई है भैया, मैं आपको कोड भेज रहा हूँ, बस आपको स्कैन करना है और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, यहाँ से मैं भेज दूंगा। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन QR कोड स्कैन तो पेमेंट के टाइम करते हैं ना, मतलब मैं पे करूंगा तो फिर QR कोड स्कैन करूंगा ना, सीधा सीधा सिंपल है आप। अरे भैया इसका कहाँ सोच रहा आप, कहीं भी कुछ भी राशन की है कोई सी भी शॉप पे जाते हो QR कोड स्कैन ही तो कर दो आप।
वैसे उससे अलग बताओ, या तो एक नंबर डालने का ऑप्शन होता है या क्यूआर कोड डालने का ऑप्शन होता है? भेजो आप, भेजो आप मुझे क्यूआर कोड भेजो जरा, व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है मैं करके देखता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं ना इस मामले में असल में नया हूँ तो मुझे थोड़ा सा वही होता। कोई नहीं कोई नहीं भैया, टेंशन वाली बात ही नहीं है भैया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके नंबर तो यही मेरा आपके पास, बात कर लेना कोई दिक्कत हो तो। ठीक 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 कोई नहीं, भेजो आप क्यू आर कोड भेजो। यही नंबर है आपका? हाँ 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 यही नंबर है बिल्कुल। वेट भैया बस एक। हाँ 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 कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा ठीक 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 भाई साहब, ये जो है क्यूआर कोड अगर मैं स्कैन करूंगा तो ये पेमेंट मेरी उड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपने सारे क्यूआर कोड आपको यार तो यार बात सुनो, बात सुनो भाई साहब, तुम यार पिन मांगेगा आप डाल देना बस, बात वो नहीं है, तुम यार नए नए तरीके अपनाते हो फ्रॉड के, वही चीज हो जाती है। कोई आम आदमी नॉर्मल बंदा होगा ना वो फंस ही जाएगा, अब ना यहाँ OTP आएगा ना कुछ आएगा, सीधा सीधा पिन डालते ही। मुझे ये बताओ पेमेंट, पेमेंट आप कर रहे हो, मैं पिन क्यों डालूंगा? पेमेंट मेरे पास सीधा सीधा रिसीव होगी ना। कैसी बात कर रहे हो भैया फ्रॉड की, मैं तो आपको इतना यकीन कर रहा हूँ भैया, मैं आपसे कोई OTP वगैरह कोई मांग रहा हूँ, कार्ड की डिटेल कोई मांग रहा हूँ, मैं तो QR कोड ही तो भेज रहा हूँ यार। देखो देखो तुम्हारा नाम यार राजू बताया तुमने, जो भी हो वो तो मुझे पता है, खैर ये नाम तो नहीं होगा, लेकिन यार तुम गरीब आदमी का जरा ये सोचा करो, कितनी मेहनत से इंसान पैसा जोड़ता है कैसे करता है, और तुम 2 मिनट में यार उसके अकाउंट से पैसा गायब कर देते हो। अब मैं ये QR कोड नहीं होता किसी के अकाउंट से पैसा निकालना भाई साहब, लग रहा होगा मेरा यही काम है, मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, और मैं प्रॉपर सारी चीजें मुझे पता होती हैं कि किस तरह फ्रॉड करते हो क्या है ये। तो आज मैंने देखा आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी उसने, इसको एक बार कॉल करता हूं मैं अभी, देखिए इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, और ये फ्रॉड कैसे हुआ है, कहां से मुझे ये कॉल आई है मैं भी आपको बताऊंगा प्रॉपर। ये मैं इसको कॉल बैक करता हूं पहले, ये थोड़ा सा जियो का फोन है ना, तो इसमें कॉल लगाने के लिए बटन वटन प्रेस करते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, बेल जा रही बेल। नहीं उठाएगा। सो गाइस हुआ ये कि मुझे एक टीवी बेचना था, और मैंने OLX पर जो है उसका ऐड डाला, और मुझे अचानक से कॉल आती है कि जो है कि हमें आपका टीवी चाहिए और हमने ये ख़रीद लिया। मैंने कहा ठीक है जी कोई नहीं, कह रहे पेमेंट कर रहे हैं लेकिन लेने कल आएंगे। यार कोई आप बताओ कि कोई चीज़ इंसान खरीद रहा है तो पेमेंट पहले कैसे कर सकता है जबकि उसने वो चीज़ देखी भी नहीं। तो पहले तो मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन फिर उसके बाद एक और कॉल आई, और मुझे लगा कि यार ये तो OLX पर कोई भी चीज़ डालो तो फ़ौरन फ्रॉड कॉल्स पहले आ रही हैं। तो मैंने जानबूझ के ऐड को डिलीट किया और वो ऐड दोबारा डाला, और मैं वेट कर रहा था कैमरा लगा के कि ये कॉल मैं रिकॉर्ड करूँगा। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइज कि कभी भी कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम बहुत सतर्क रहिए, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, लोग मिनटों में अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं, आपको QR कोड भेज रहे हैं, पेटीएम ये वो UPI, गाइज बहुत रिस्की है। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिए, ये चीज़ें जितनी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं उतनी ही ज़िंदगी को जहन्नुम बना देती हैं, जहर बना देती हैं कि आपके अकाउंट में चुटकियों में पैसे उड़ जाते हैं। आप देखिए कि अगर मैं वो QR कोड स्कैन कर लेता, बस मुझे वो 4 डिजिट का पिन होता है वो डालते ही अकाउंट में से 7,500 रुपये उड़ जाते हैं। और क्या बोल रहा था वो कि मैं लेके परसों जाऊंगा लेकिन पैसे दे रहा हूं मैं, सोचो यार, और फिर कॉल काट दी। नंबर हालांकि जो मैं था मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, नंबर यूज़ किया सिम तोड़ी फेंक दिया, फिर वो किसी इनोसेंट आदमी के पास नंबर चला जाएगा तो खामखा उसके पास कॉल्स जाएंगी, तो नंबर तो कोई फ़ायदा नहीं है शेयर करने का ऑनलाइन या फिर कुछ करने का। सबसे ज़्यादा यहाँ जो ज़रूरी है वो यही है कि इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए, और आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिए किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन चीज़ें, ये बहुत सारी चल रही है, किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम प्लीज़ सतर्क रहिए, अपनी पर्सनल डिटेल बिल्कुल मत दीजिए। कोई आपको पैसे भेजता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ना आपको कुछ चीज़ स्कैन करनी होती है, ना कहीं नंबर डालना होता है, करना भेजने वाले को होता है, और ये मुझसे कह रहे थे कि आप QR कोड स्कैन कीजिए। चलिए बहरहाल
सो ठीक है, बाकी अपनी राय अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देखने वाले को पता चले कि ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये हर किसी के साथ हो रहा है आजकल। मुझे बताइएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा प्लीज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या चल रहा है एक्चुअली में। चलिए बाय।